बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फरीद, मैं हूं आसिफ खान। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड काफी हद तक मुतासर हुआ मौसम की वजह से, सिर्फ 39 ओवर का खेल हो सका, लेकिन पाकिस्तान की पार्टनरशिप इस वक्त जमी हुई है। 139 रन पाकिस्तान ने बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर। बाबर आजम मौजूद है 69 रन पर और 48 रन के साथ शान मसूद ओपनर इस वक्त विकेट पर मौजूद है। और जो खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए हैं उन पर हम बात करेंगे। अजहर अली आउट हुए, उनके अलावा आबिद अली की विकेट भी हमने देखा कि उन्होंने कोई, और वो शिकार हुए आर्चर का, और किस तरह से पाकिस्तान ने खेला, टॉस जीता अजहर अली ने और बगैर किसी हिचकिचाहट के बैटिंग का फैसला किया। वो जो पाकिस्तान की 11 बनी उसमें 2 लेग स्पिनर खेल रहे हैं। 1961 के बाद कहा जा रहा है कि इंग्लैंड में 2 लेग स्पिनर खेले हैं, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की जानिब से रिची बेनो और रॉबी सिम्पसन खेले थे। और मजीद बात करेंगे, तनवीर अहमद मौजूद है, शादाब कबीर मौजूद है। शादाब, कैसा देखते हैं आज का दिन? पाकिस्तान का 39 ओवर का खेल हुआ है और पाकिस्तान ने काफी अच्छी पार्टनरशिप इसको बनाई है। और बिल्कुल जैसा एक्सपेक्टेड था कि बारिश जो है खेल पहले दिन को मुतासिर करेगी, जो कि हुआ है, लेकिन अभी तक जो चीजें हो रही है वो पाकिस्तान के फेवर में हो रही हैं। हमने बात की थी कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 खिला रहे हैं वो 2 लेग स्पिनर से जा रहे हैं, और जब आप 2 लेग स्पिनर से जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करनी थी, तो वो तो ऑब्वियसली बात की और वो पाकिस्तान ने की है। विकेट का हमने कल बात की थी, विकेट भी हमें आप देख सकते हैं सेकेंड ओवर में ब्रॉड जब बॉल करने आए थे वो जो फुट मार्क्स थे उसमें बाकायदा से डस्ट उड़ रही थी, आप वो इंडिकेट करती है इतनी दूर बैठे बैठे लोगों को कि भाई विकेट ड्रा है, और विकेट का बिहेवियर भी कल भी कहा या आपने कल जी हाँ 7-8 ओवर के बाद इवन एंडरसन का बॉल भी विकेट कीपर नी रो से नीचे पकड़ रहे थे। तो जाहिर तो चीजें पाकिस्तान के फेवर में आ रही है, और जिस तरह का आपको पता ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है, शान मसूद जिस तरह खेले बड़े कॉम्पैक्ट, मैं आपको पहले भी कह रहा था कि साइड मैचेस में जो प्रैक्टिस मैच में वो बड़ी फॉर्म में है, और मैं समझता हूँ पिछले 2 ओवर से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है। आप एक लंबी इनिंग खेलने वाला प्लेयर जिस तरह माइंड सेट बना के जाता है उसमें वो चीज़ नजर आ रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपको पता है एंडरसन है ब्रॉड है वो दोनों, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो ड्राइव मारे कवर ड्राइव मारे, लेकिन शान ने एक भी कवर ड्राइव नहीं मारी, जो आप देख सकते हैं वो एक निशानी होती है बैट्समैन की, तो एक लंबा प्लान करके आया, बड़ा फोकस था और उसकी बैटिंग में नजर आया मुझे। एज कम्पेयर आबिद अली आपको पता है कि वो बिल्कुल उनकी टेक्निक उनकी थोड़ी एक्सपोज हुई है, आउट होते वक्त भी आप देखें उनके जो टो की स्पेशली टो की जो पोजीशन थी वो एक्स्ट्रा कवर की तरफ थी, उससे फील ये होता है कि वो इन स्विंग में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो डेफिनेटली उनका फ्रंट टो जो है वो ऑफ स्टंप की तरफ होता, या जिस तरह शान अपना बैक फुट को मूव कर रहा है फ्रंट फुट को टो को फ्रंट ओपन रखा हुआ है, तो ये सब चीजें इंडिकेट करती है कि वो टोटल इन स्विंग खेल रहा था, जिसकी वजह से शान सर्वाइव कर गए और अभी जो है वो स्ट्रगल करते नजर आए। जी तनवीर, आज सुहेल खान जैसे आप कह रहे थे मौका देना चाहिए अब्बास को, नहीं खिलाए और 2 लेग स्पिनर खिलाए, आपके ख्याल में ये कैसा कैसी स्ट्रेटजी है? देखिये सबसे पहली बात ये है कि मेरी नजर में फजूल सी ये इन्होंने ऑप्शन डाला है शादाब का, क्योंकि उसकी वजह ये है कि 2-2 लेग स्पिनर आप उस सूरत में डालते हैं, बाकी कुछ जेन्युइन लेग स्पिनर्स होते हैं या प्रॉपर एक टेस्ट मैचेस के लेग स्पिनर होते हैं तो समझ भी आती है। एक T20 का लेग स्पिनर आपने डाल दिया, सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलता है, उसको फेवर किया T20 चले ऑलराउंडर कर लें, T20 उसने खेला, PSL से खेला, कोच थे मिसबा साहब उसको फेवर दे दी, इससे बेहतर था आप फवाद आलम को डालते, आपको मिडल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडेड की बहुत जरूरत होती है, या तो चलो मैं समझता कि स्टुअर्ट मैकगिल भी या शेन वॉन दोनों लेग स्पिनर बड़ा बड़ा करते थे तो मैं मानता भी कि प्रॉपर शादाब भी एक टेस्ट मैच का बॉलर था, तो आपने उसको डाल दिया, चांस लिया कि चौथी हमारी अगर बॉलिंग आती है तो बॉल स्पिन होगा, मुश्किल होगी बैट्समैनों को, लेकिन मुझे तो नहीं समझ आती उसको क्यों खिलाया, सिर्फ फेवर दिए उसको। दूसरी बात है कि वो तो हो गया ना, हमने तो बोलना है ना, हम तो बोलने के लिए बैठे हैं, हमने तो बोलना है कि क्या सही था क्या गलत था, उन्होंने जो करना था वो उन्होंने किया, ये बात भी सही है, लेकिन कैसा खेले पाकिस्तान के ओपनर्स को हटा के? सोहेल खान का मैंने इस वजह से बोला था, क्या कह रहे हैं? नहीं मैंने कहा चले अब तो बन गई ना टीम, अब तो बैटिंग शुरू कर दी पाकिस्तान ने, चले जो भी है। आपने सोहेल का मुझसे सवाल किया, सोहेल खान का मैंने इस वजह से बोला था क्योंकि प्रैक्टिस मैचेस में वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग कर रहा था, तो मैंने इसलिए बोला था कि अगर अब्बास की जगह अगर उसको खिलाया जाए वो आगे बॉल पिच करता, आप दूसरे फास्ट बॉलर्स को भी देखें
अगर हम स्टुअर्ट ब्रॉड या एंडरसन की बात करते हैं, वो जब भी आउट करते हैं, ये वॉक्स आउट करते हैं, वो आगे से बॉल करते हैं, पीछे से आउट नहीं होते, ये खिंचा हुआ बॉल उसमें मुश्किल होता है। तो इस वजह से मैंने एक बात बोली थी। बाकी शान मसूद या आबिद अली की अगर बात करें, वो एक्सपोज हो गया। हम पहले भी बात करते रहे, बाउंसर उसको लगेंगे, वो उसको मुश्किल होगी, एक्सपोज हो गया, अंदर किया बॉल, तीसरा चौथा बॉल वो बोल्ड हो गया। शान मसूद अभी तक, जो मैं समझता हूँ, अभी तक वो, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आया अपनी बैटिंग के ऊपर। अभी भी देखिए, वो स्टंप उसका छोटा है, वो बड़ी हिट लगाने गया, शॉट खेलने गया, उसका स्टंप छोटा है। उससे पहले भी जब वो बैटिंग करने आया, शुरू में 3-4 चौके उसके थर्ड मैन पे लगे, नो डाउट स्टे किया है, फाइट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके जो रन है अभी इस टाइम, उसको कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाना चाहिए था। आपने देखा उसका कैच भी छूटा है, कॉर्ट बैंड भी उसका छूटा। बटलर तो लगता है पूरा साथ दे रहा है शान मसूद का, तरीके से ये 100 कर गए, उसकी लक भी साथ दे रही है। तो लक होती है कभी कभार, लेकिन अभी भी उसको चाहिए कभी तो खुश हो जाए। शायद वो शॉट खेलने की इस वजह से कोशिश कर रहा है कभी कभार कि बाबर आजम उसके सामने है। बाबर आजम की बैटिंग से ऐसे लग रहा है कि ना बॉल स्विंग हो रहा है, ना सीम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी वजह ही उसकी फॉर्म इतनी अच्छी है, वो किसी विकेट पे भी रन कर दे। अजहर अली की बात मैं करूं, अजहर अली की लास्ट 10 या 15 इनिंग्स के अंदर उसके उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, एक का 100 है शायद, वो स्ट्रगल कर रहा है। अब मुझे नहीं पता कि उसको बैक इंजरी है या उसको घुटने की इंजरी है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है या प्रेशर बहुत ज्यादा ले रहा है, क्योंकि अजहर अली हो गया, यासिर शाह हो गया, शान मसूद हो गया, असद शफीक हो गया, इन 3-4 लड़कों को इस सीरीज में परफॉर्म करना, सॉरी मैं अजहर असद शफीक की बात कर रहा हूँ, अब्बास को, ये 4 लड़के ऐसे हैं, इनको इस सीरीज में परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। चलें, अब ये तो कह रहे हैं कि अजहर अली की मूवमेंट से आपको कैसे लगा, वो भी आगे की गेंद पर आउट हुआ है। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी शादा, बिल्कुल अजहर अली बिल्कुल आउट ऑफ टच लग रहे हैं। जाहिर सी बात है, किसी प्लेयर को, मैंने आपको पहले बोला था, एक प्लेयर जो है अगर फॉर्म में भी है और अगर फॉर्म में नहीं भी है, तो इंग्लैंड एक ऐसी कंडीशन है जो आपको प्रॉब्लम में डालती है। वो मुसलसल इसी तरह आउट हो रहे हैं, आई होप कि वो जल्द से जल्द कम बैक करें। लेकिन जो बात अभी शान की ये कर रहे थे कि लकी है, उसमें एक चीज और भी है कि आपको पता है मैच 2 दफा बीच में रुका है, तो प्लेयर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, किसी भी प्लेयर के लिए वापस कम बैक करना, क्योंकि आप एक सेशन खेलते हो, जहन में यही होता है कि आप सेशन आप जो है वो प्लान करके गए हो और जिस प्लान के मुताबिक वो खेल रहे हैं आप, हमें हमारा कोशिश यही है कि हम 5वें दिन तक मैच को ले जाएं। जितना मैच 5वें दिन तक जाएगा, पाकिस्तान की गिरफ्त उतनी मजबूत होती रहेगी। अब तो मुझे नजर आ रहा है कि मैच 5वें दिन तक जाएगा। जी शादाब, ये बताइए, 2.83 है स्ट्राइक रेट इस वक्त, रन रेट पाकिस्तान का, ये कैसा है? मैच रुका भी है उसके बावजूद ये कैसा रन रेट? देखिए, ऑब्वियसली मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बैट्समैन सुधर सेटल डाउन होता है, इंग्लैंड में इतने आराम से आप सेटल नहीं होते हो। बॉल सीम स्विंग दोनों हो रहा था, ब्रॉड और एंडरसन मुझे थोड़ा सा ऑफ करने लगे, और ब्रॉड के लिए मैं सरप्राइज नहीं हुआ कि उनको पता था कि यार वीक लेंगे, राउंड द विकेट आके लेफ्ट हैंड को बहुत अच्छा करते हैं, वेरी फर्स्ट ओवर से वो राउंड द विकेट आके उन्होंने बॉल की है। तमीर बेहतर बताएंगे कि ये ऑप्शन होता है बॉलर के पास, जब बैट्समैन अगर सर्वाइव कर जाए ओवर द विकेट तो वो फिर राउंड द विकेट आता है। वो वेरी फर्स्ट बॉल से वो आ गए, उसका काउंटर डेफिनेटली अपना शान मसूद ने, ये चीज जहन में होगी कि यार राउंड विकेट ब्रॉड बहुत अच्छा बॉल करते हैं, उन्होंने भी अपना होमवर्क किया होगा जो कि उनकी बैटिंग में नजर आ रहा है। वो उन्होंने बल्ला अपनी बॉडी से दूर निकाला ही नहीं, थोड़े से लकी रहे हैं वो कि क्रिकेट के अंदर आपको पता है उनका कैच छोटा है, स्लिप के अंदर बड़ा मुश्किल कैच था, अदरवाइज मुझे वो बहुत सॉलिड एक जिस तरह ओपनर हमें चाहिए कि उन्होंने बॉल को पुराना कर रहे हैं। एक दफा बॉल पुरानी हो जाएगी और जो कि आपको पता है थोड़ा सा बारिश भी हो रही है और बॉल थोड़ा सा जब गीला होगा तो बॉल आपको पता है हैवी हो जाता है, स्विंग होना वैसे ही बंद हो जाएगा, तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान टीम लेगी, जो आपको नजर आ रहा है बाबर आजम की सूरत में, बाबर आजम रन निकालना शुरू हो गए। जी तनवीर, आपको क्या लगता है, जो इंग्लिश जो बॉलिंग खिलाई है ज्यादातर फास्ट बॉलर्स पे डिपेंड किया है, सिर्फ बेस्ट को डाला है और बेस्ट ने 9 ओवर किए हैं और रूट को भी 3 ओवर करने पड़े, तो ये 9 और 3 12 ओवर किए गए हैं, तो क्या एक स्पिनर की और गुंजाइश थी आपके ख्याल में इस लाइनअप? देखिये, स्टोक्स बॉलिंग नहीं कर रहे हैं ना, स्टोक्स फिट नहीं है बॉलिंग। देखिए, स्टोक का तो अभी मैच स्टार्ट होने से पहले उनका फिटनेस टेस्ट भी लिया गया है, उसमें वो क्लियर हुए हैं। अगर वो फिटनेस टेस्ट में क्लियर हुए हैं तो शायद उनको कल मौका दिया जाए कि आप आके बॉलिंग। नहीं, वो रूट ने नहीं, रूट ने ये कहा कि स्टोक 100% नहीं है, टॉस पे उसने कहा था।
मैं ये नहीं कह रहा कि उससे 10-10, 15-15 ओवर का वो स्पेल करवाएंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता शायद वो 2-4 ओवर, 5 ओवर का कोई, यानी कम बॉलिंग करवाएंगे बनिस्बत दूसरों के, ये भी हो सकता है, ये तो आप कल देखेंगे। लेकिन बेस्ट ने जिस तरीके से शान मसूद को बॉलिंग की है, मुझे ऐसे लग रहा है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के अगेंस्ट, क्योंकि बाबर आजम के अगेंस्ट वो कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा उनको, क्योंकि वो आगे निकल के भी शॉट खेल रहे हैं, उनको सिंगल डबल्स भी ले रहे हैं, उसके ऊपर अटैक किए पर वो उनको वो उनको बॉलिंग इतनी अच्छी उनकी नहीं हो रही है। लेकिन शान के ऊपर इस वजह से अच्छी हो रही है, और शान के ऊपर हावी भी इस वजह से हो गए, क्योंकि एक कैच भी बटलर ने छोड़ दिया, एक स्टंप भी छोड़ दिया, शान भी प्रेशर में आ गए उसके अगेंस्ट, मैं दोबारा आउट ना हो जाऊं, मैं आराम से क्रीज में खड़े होकर खेलूं। आपने देखा जो स्टंप छूटा उसमें भी डाउन द विकेट मारने की कोशिश की थी, तो वो ज्यादा उन्होंने प्रेशर डाला हुआ है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप उनको देखें कि वो बॉल जो उनका बाहर निकलता है बॉल, वो फ्लाइट के साथ बॉल करते हैं, फ्लाइट के साथ करते करते तो उसी में वो बॉल उनकी उनका जो पेस है वो तेज हो जाता, आर्म बॉल कर देते हैं उसको, तो उसमें शान को प्रॉब्लम हो रही है, वो एक एक ही तरह से वो बॉलिंग नहीं कर रहे। तो शान चले ठीक है, अब ऐसा है कि अब ये बताइए कि चले अब खत्म करते हैं, कल स्ट्रेटजी इन दोनों बैट्समैन की क्या होनी चाहिए, किस तरह से खेलना है, अभी नया गेंद अभी दूर है, 45-49 ओवर अभी हुए हैं, तो अभी 31 ओवर दूर है, तो जरा आसानी होगी जैसा कि यहाँ माहौल रहा है अब तक। शादाब देखिए, अब गेम अगर पूरे ओवर होते तो आज पाकिस्तान वैसी ड्राइविंग सीट पे होता, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल बॉल अच्छा खासा पुराना हो चुका है, बॉक्स के अलावा इतना स्विंग नहीं हो रहा बॉल, ना सीम हो रहा है, बॉक्स से किया है उसको बड़ा अच्छा सर्वाइव किया है अपना शान ने, वो अंदर बॉल खेलते रहे, वो बीट होते रहे। आपको पता है पहली बैटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि बड़ा सीम होना शुरू हो जाता है, जो कि बल्ले को एज को नहीं गुजरता, तो इसका डेफिनेटली अगर इसी तरह का छोटा सीम स्टार्ट हो जाए तो पाकिस्तान के फेवर में चला जाएगा। पाकिस्तान इस ड्राइविंग सीट पे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान यहाँ 300-300 रन कर देता है, ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान कंफर्ट जोन में आ जाएगा, तो आपके पास चांसेस होंगे आखिरी, अगर आप पांचवें दिन जब मैच जाएगा तो आपके पास बहुत ज्यादा कुछ होगा मैच में निकालने के लिए, क्योंकि आप दो स्पिनर से जा रहे हैं और डेफिनेटली वो दो स्पिनर मुझे अब ऐसा लगता है वो बहुत काम आने वाले। आप क्या कहते हैं कल पाकिस्तान को पहले सेशन में? देखिए बाजार देखने में यही लगता है कि पाकिस्तान की टीम 350-400 रन ना कर जाए, देखने में ऐसा लग रहा है क्योंकि दो आउट है अभी, लेकिन शुरू के जो दो घंटे वो उस पे ज्यादा विकेट्स नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि ये हमें पता है कि स्टुअर्ट ब्रॉड और एंडरसन जब सुबह आएंगे वो 100% अपनी पूरी एफर्ट करेंगे। देखें रोज दिन बैट्समैन के लिए लकी नहीं होता है, आज उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, सरवाइव किया है शान मसूद ने, लकी भी बहुत रहे, लेकिन रोज ऐसा नहीं होता है, कल हो सकता है ये दोनों आए, इनको लक साथ दे और ये फटाफट विकेट्स ले जाएं, तो पाकिस्तान को जरा टाइम देना है। अब सुबह भी आके शान को इसी तरह खेलना है, टाइम दे थोड़ा सा, बाबर आजम ज्यादा आपको पता है टाइम दे नहीं सकते क्योंकि नेचुरल उनके पास शॉट्स हैं, उनको जरा सा विकेट से बाहर बॉल मिलता है या पीछे मिलता है वो पंच मारते हैं या मुंह पे बॉल मिलता है वो ड्राइव खेलते हैं, वो इसीलिए आपने देखा कि बाबर आजम की बॉल्स कम है और शान मसूद की जो बॉल्स है ज्यादा है। अब जो है असद शफीक या बाबर आजम या शान जो खेल रहे हैं दोनों, उसके बाद जो रिजवान है, देखे अगर हमने स्टार्ट अच्छा दे दिया ना तो रिजवान ऐसा प्लेयर है कि वो जिस तरीके से खेलता है शॉट्स खेलता है वो अटैक बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है अगर उसको ये पता है उसे रन्स है। ठीक है तनवीर और शादाब कबीर, बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम को यही समझते हैं। अच्छा किया पाकिस्तान ने, आज दो ही विकेटें गई हैं, ज्यादा ओवर नहीं हो पाए, 49 ओवर का गेम हुआ, कल एक नया दिन होगा, फ्रेश होंगे इंग्लिश फास्ट बॉलर्स भी, स्पिनर्स भी, देखना है कि पाकिस्तान किस तरह से करता है।